गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, एडवर्ब क्लॉज इज गोइंग ऑन इन दिस सीरीज। इसके पहले मैंने आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इन सब के बारे में बताया। टुडे आई एम हियर विथ एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट और रिजल्ट। आज मैं आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट या रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं इनकी डेफिनेशन। व्हेन ए सिंपल सेंटेंस इज जॉइंड टू अदर सेंटेंस शोइंग द इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ द वर्ब, रिजल्ट ऑफ द वर्ब ऑफ द अदर सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट और रिजल्ट। वे शब्द जो किसी चीज के प्रभाव या परिणाम को बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, देखिए लिखा हुआ है सो दैट, सो दैट और सच दैट, सो दैट और सच दैट, ये जो दो होते हैं इनको एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट या रिजल्ट कहा जाता है। इनका प्रयोग कैसे करते हैं, तो सो दैट का मतलब होता है इतना अधिक की, इतना अधिक डैश डैश की, और सच दैट का भी मतलब होता है ऐसा की, यानी कि ये किसी परिणाम को बताते हैं, किसी प्रभाव को बताते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ही इज वेरी वीक वीक, और दूसरा लिखा हुआ है कि ही कैन नॉट वॉक He cannot walk properly. He is very weak. He cannot walk properly. तो इसको क्या होता है कि कभी कभी ऐसा आता है, दो प्रकार से dual direct के रूप में पूछा जाता है कि combine with so that या such that या कंबाइन विथ एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस और इफेक्ट। तो जब हम दो सेंटेंस को सो दैट या सच दैट से कंबाइन करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। इस प्रकार से हम सो दैट के द्वारा किसी सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। इसी को हम सच दैट के द्वारा भी कंबाइन कर सकते थे, केवल सो ये हो जाता ही इज सच वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। सो इन दिस वे किसी सेंटेंस को कंबाइन भी किया जा सकता है सो दैट और सच दैट के द्वारा, जो कि किसी प्रभाव या इफेक्ट को बताते हैं। तो एक तो ये होता है, दूसरा एक इसी में होता है कि सो दैट या सच दैट के स्थान पे हम टू का भी प्रयोग करते हैं। तो आता है कि यूज ऑफ टी डबल टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। जब कभी भी सो दैट के स्थान पे टू का प्रयोग करना होता है तो हम वाक्य में से सब्जेक्ट सहित कैन नॉट या कुड नॉट को हटा देते हैं तथा इस स्ट्रक्चर से वाक्य को बनाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब टू, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव रखते हैं, फिर यहाँ पे टू रखते हैं, मेन वर्ब जो होता है उसका फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर थिंग और इनको सब्जेक्ट सहित कैन नॉट या कुड नॉट को हटा देते हैं।
इस प्रकार से होता है, ये होता है आपका स्ट्रक्चर। जब कभी भी हमको सो दैट या सच दैट के स्थान पे टू टू का प्रयोग करना होता है तो, जैसे मान लीजिए ये ऊपर एक सेंटेंस लिखा था कि ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, तो इसका हो जाता ही इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक तो और एग्जांपल देखते हैं किस प्रकार से हम सो दैट या सच दैट के द्वारा वाक्य को जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे इनके स्थान पर टू टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है द क्वेश्चन was very difficult, और दूसरा लिखा हुआ है I cannot solve it। तो yes, यहाँ पे ये देखते हैं, जब यहाँ पे was लिखा रहता है तो यहाँ पे could का यूज करते हैं। ठीक है, वॉज मतलब था और कुड मतलब सकता था। तो जब कभी भी वॉज होता है तो इसको दो प्रकार से इसको कर सकते हैं। एक तो पहला है कि कंबाइन करना है, मान लीजिए कंबाइन विद सो दैट या सच दैट। सो दैट से कंबाइन करेंगे तो इसका हो जाएगा द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट That I could not solve it. The question was so difficult that I could not solve it. लेकिन या इसी को मान लीजिए such that से भी combine करते, the question was such difficult that I could not solve it. The question was, यहाँ पे केवल सच आ जाता, सच डिफिकल्ट दैट I could not solve it। तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जाता है कि कंबाइन विथ इफेक्ट और रिजल्ट, देन यू कैन कंबाइन विथ सो और दैट से भी कंबाइन कर सकते हैं, और इसको सच दैट से भी कंबाइन कर सकते हैं। मान लीजिए इसको यूज करना है टू का यूज इन प्लेस ऑफ रीराइट यूज, ऐसे क्वेश्चन आता है कि रीराइट यूजिंग टू इन प्लेस ऑफ सो दैट और सच दैट, तो इसका आंसर हो जाता द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, फिर इट भी नहीं लिखा रहता। तो इस प्रकार से हम सो दैट या सच दैट का यूज कर सकते हैं, इनके द्वारा सेंटेंस को हम कंबाइन कर सकते हैं, और इनके स्थान पर किस प्रकार से टू का यूज भी किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं सबसे पहले कि बेशब्द जो किसी इफेक्ट यानी प्रभाव या परिणाम को बताते हैं उन्हें एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट या रिजल्ट कहा जाता है, और सो दैट और सच दैट ये दो होते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट। तो सो दैट मतलब इतना अधिक की, और सच दैट मतलब ऐसा की। तो सो दैट का यूज दो प्रकार से होता है, एक तो कंबाइन करने के लिए, सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, या टू के स्थान पर सो दैट, या सच दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने ये वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार किया है, और आई होप कि आपको ये इस प्रकार से यूज ऑफ सो दैट और सच दैट समझ में आया होगा। तो यदि इस प्रकार से ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इन वीडियोस के थ्रू छोटे से छोटे गांव में रहने वाले बच्चे जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।